जब चोर उचक्के बेईमान खून करने वाले लोग अगर राजनेता बन सकते तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं बनते? पहली बात, अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है, हालांकि मुझे तो उस देश से प्यार हो गया, लेकिन अपनी ज़मीन से ज़्यादा प्यार था इसलिए वहाँ रुका नहीं। और सरकारी लोग जितने डरपोक होते हैं उनको अगर चिट्ठी उनके पास आती है उसका जवाब देना वो रिकॉर्ड का पार्ट बनता है, क्योंकि हमारे भारत के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया के टॉप 200 में भी टॉप 300 में भी जगह नहीं पाते। तो अमेरिकन एजुकेशन जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पर ध्यान रखता लोगों को तैयार करके सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस फाइल किया जाए। मनमुटाव नहीं करते, बिल्कुल हेल्दी वे में डिबेट करते हैं, हेल्दी वे में जाते हैं और लोगों को आंसरेबल हैं तुरंत। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अगर चाहे जिसको कानून की नॉलेज नहीं है, चीज़ें इतनी पेचीदा हैं कि वो व्यक्ति उसको एक वकील के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। आज़ादी के बाद से इस देश में दो मुख्य समस्याएँ रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम बिहार में बैठे हुए हैं और एक ही साल में अगर एक ही वसंत में अगर 200 बच्चे मर जाए किसी एक बीमारी से तो हम स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं इस देश में ना के बराबर हैं। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस देश की आज़ादी से पहले से ही इस देश के कई बड़े नेता, कई बड़े लोग बाहर जाकर पढ़ाई करके आते थे। गांधी हो या नेहरू, सभी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद इस देश में आकर एक नई क्रांति लेकर आए। हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, नाम है कुमार सानू। 12वीं की पढ़ाई मोकामा में की, इसके बाद दिल्ली चले गए, लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। 2 साल अमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इन्होंने लॉ किया और फिर अमेरिका चले। अब कहते हैं बड़ी बात नहीं हो सकती है क्योंकि लगभग कई लोग हैं जो कि हमारे हाउस होल्ड में अमेरिका चले जाते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, मगर इन्हें 40 लाख का स्कॉलरशिप मिला था अमरीका से। लॉ की पढ़ाई इन्होंने जरूर भारत में की मगर शोध अमरीका में किया। इसके अलावा इनकी उपलब्धि यह है कि अमेरिका के स्टूडेंट इलेक्शन, हालांकि भारत में कोई अगर स्टूडेंट इलेक्शन जीत जाता है तो कन्हैया की तरह फेमस हो जाता है, बहुत तरह का तामझाम उनके आसपास बन जाता है। इन्होंने अमेरिका में स्टूडेंट इलेक्शन जीता, उसके बाद अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो भैया हर एक बड़े व्यक्ति के साथ एक जुनून होता है, युवा है, जुनूनी है, आए हैं बिहार बदलने और हमसे मुलाकात इनकी हो गई। तो हमने सोचा कि रोज़ तो राजनीतिकों से आपको मिलाते ही हैं, आज एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जो बिहार को बदलने आया है। स्वागत है कुमार सानू जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आज आप इस हॉट सीट पर बैठे हैं, क्या बदलने आए हैं बिहार में आप? उससे पहले एक विनती करना चाहूँगा, मेरी 12वीं तक की पढ़ाई लॉयला हाई स्कूल पटना से हुई, उसके बाद दिल्ली में 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद अमेरिका मास्टर्स करने गया था लॉ में। जी बिहार इसलिए आया हूँ कि बिहार में मैं पैदा हुआ जी और यहीं के समस्याओं को देखता हुआ बड़ा हुआ, मोकामा मेरा घर है जी। और हमेशा से इच्छा थी कि मैं इन समस्याओं को दूर कैसे करूं, इसके लिए कोशिश करने की ख्वाहिश थी, इच्छा थी। तो लगा कुछ ऐसी पढ़ाई करें जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा समाज को अपना योगदान समाज के लिए दे सकें, इसीलिए कानून चुना। काफ़ी स्वाभाविक चुनाव था कानून का। उसके बाद कानून की पढ़ाई दिल्ली से की, दिल्ली में ठीक ठाक इंटर्नशिप्स की, अच्छी जगह काम किया, अच्छे लोगों के साथ, उसके बाद अच्छी वकालत भी ठीक ठाक की और बहुत कम उम्र में काफ़ी लोग जान गए या काम का असर होने लगा। तो लगा कि क्यों ना किस दुनिया के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ा जाए। और जितने जिन लोगों का आपने नाम बताया, भारत के जो बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, सब ने अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई की है। तो मेरी इच्छा थी हमेशा से और कुछ लोगों ने काफ़ी मदद किया एप्लीकेशन बनाने में। और मैं एक दुनिया का एक कॉलेज है, उसका नाम है फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय लॉ पढ़ने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है। और अंतर्राष्ट्रीय लॉ पढ़ने के लिए LLM प्रोग्राम होता है। मतलब दिल्ली में आपने मीटिंग में पढ़ाई की, आपने काम भी किया जी, सडनली मतलब अमेरिका जाने का थॉट कैसे आ गया? चूँकि हमेशा से एक रिग्रेट था कि बहुत ही अच्छे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं हुई थी बचपन से ही, तो हमेशा एक इच्छा थी क्यों ना दुनिया का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमारे भारत के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वो दुनिया के टॉप 200 में भी टॉप 300 में भी जगह नहीं पाते हैं। तो लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन कैसा होगा, बड़ी अंदर से ललक थी उनको देखने की, पढ़ने की, वहाँ रहने की। तो इसीलिए हिम्मत करके अप्लाई किया, एक ही कॉलेज में अप्लाई किया, फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी कहते हैं, शशि थरूर आदि
लोग वहीं के पढ़े हैं, छात्र रहे हैं, और 15-20 लोगों का चयन होता है मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के लिए, एलएलएम प्रोग्राम के लिए। तो संयोगवश मेरा चयन हो गया, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ने चला गया। लेकिन बिहार में और भारत में जो घटनाएं हो रही थी उसे वाकिफ था, सब कुछ जानकारी, मतलब जानकारी आपने, आप बाहर गए कि कुछ और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे शायद उस तरह का मानक नहीं मिल पा रहा था आपको स्कूल। सर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ पढ़ाई करने की इच्छा ज्यादा थी। और जी और बाकी, मगर ये बड़ा काम करने की इच्छा नहीं थी। मगर बड़ा आयरोनिक है कि एक देश जहाँ पे क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म इतना ज्यादा होता है, इतने क्राइम्स होते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे अच्छे लॉस के स्कूल नहीं है। ये तो सही बात, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लॉ स्कूल नहीं है, हम जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, IIT वगैरह, या जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIM है, मैनेजमेंट करने के लिए, MBA करने के लिए, वो भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस में कहीं अपना स्थान नहीं पाते। लॉ स्कूल की बात नहीं है, भारत के शिक्षा व्यवस्था की बात है, कहीं नहीं पाते जी, कहीं हम लोग नहीं है, दुर्भाग्यवश। अंतर क्या है फिर? बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि भाई आखिर जानने से वहाँ, दोनों आपने देख लिया कंपैरेटिवली, क्या अंतर बड़ा? जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा की पद्धति जो है वो हमसे काफ़ी अलग है, और वहाँ प्रैक्टिकल साइड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हम इंजीनियर्स तैयार करते हैं, लेकिन वही इंजीनियर 10,000 की नौकरी क्यों करते हैं बड़े बड़े कंपनीज में? क्योंकि उन इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाता है, उनको काम सिखाया जाता है, क्योंकि कॉलेजेस वो काम नहीं कर रहे जी। तो अमेरिकन एजुकेशन जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे ध्यान रखकर लोगों को तैयार करते हैं। और जो शिक्षक थे, मेरे जितने शिक्षक थे, वो दुनिया के उस फील्ड के, जो फील्ड में वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लॉ के दुनिया के बड़े बड़े अथॉरिटीज थे, अंतर्राष्ट्रीय लॉ में जिनके बारे में हम यहाँ उत्तर पुस्तिकाओं में आंसर लिखते थे, और वो मेरे शिक्षक थे वहाँ। तो अंतर तो है, काफ़ी अंतर है, और इस अंतर को पाटने की कोशिश लगातार होनी चाहिए। भारतीय अच्छा कर रहे हैं हर जगह, लेकिन ये भारतीय क्या होता है कि IIT में पढ़ते हैं, फिर और किसी अच्छी संस्था में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग भारतीयों का नाम हर जगह सुनते हैं, लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति के ग्रोथ में कॉलेज का बहुत कम योगदान होता है जी। अगर सफलता का पैमाना हम देखें तो बहुत लोग हुए हैं जो साधारण कॉलेजेस से पढ़े हैं और अच्छा किया जीवन। अच्छा, कुछ बदला नहीं? आज़ादी से पहले भी गांधी जी और नेहरू जाते रहे हैं, आप भी आज भी आप जा रहे हैं, बदलाव आएगा कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कहीं अच्छी शिक्षा है तो उसको, अगर इंसान को छात्रवृत्ति मिल रही है, अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वैसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अपने दायरे में ही शिक्षा ग्रहण करें। हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं भारत में, अपने राज्य में, बिहार में रह के योगदान दूँ, तो मैं वापस आ गया। कोई बुराई नहीं अच्छी जगहों में जाने में, और वो लोग भी टैलेंट की इज्जत करते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में आपका दाखिला लोग लेंगे। आप तो शुरू से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहे हैं, आपने CBSE के खिलाफ ही केस कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मामला था पूरा? ये बात छात्र जीवन की थी, जब दिल्ली में वकालत कर रहा था मैं जी। उस समय काफ़ी काम, चूंकि मैंने वकालत इसलिए किया कि वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बाद मैं समाज की समस्याओं को दूर कर पाऊंगा, तो कुछ चीज़ें जैसे मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो लगा कि ये चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ। समाज में कुछ परेशानियाँ थी, तो धीरे धीरे उन परेशानियों को दूर करने के लिए काम करने लगा। तो कई बच्चों से, देश भर से शिकायत आती थी कि सूचना के अधिकार में जो CBSE है, बोर्ड है, वो उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं देती हैं जी। हालांकि 2011 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, आदित्य बंदोपाध्याय नाम है उस जजमेंट का, कि आप सूचना के अधिकार में बच्चों को उत्तर पुस्तिकाएँ देंगी। चूंकि हम RTI सूचना के अधिकार के लिए काम करते थे, तो काफ़ी शिकायतें हमारे पास आती थी। तो हम छात्र जीवन में थे, कई लोगों से बोला, शिक्षकों से बोला कि सर ऐसा होता है, क्या किया जाए? सब ने कहा कि भाई क्या करोगे, इस पे एक रिसर्च पेपर लिखो, इसके बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी। मुझे लगा रिसर्च पेपर से तो समस्या दूर नहीं होगी। तो छात्र जीवन में थे, वकालत की डिग्री नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। तो हमने, मेरे और मेरे एक मित्र ने डिसाइड किया कि CBSE के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस फाइल किया जाए। और छात्र ही था, हमने खुद से फाइलिंग की, खुद से ड्राफ्टिंग की, केस फाइल कर दिया। हमारे पास फोन को कुछ था नहीं, और हमें लगा कि अगर नहीं कोई लड़ेगा तो ये ऐसी धांधली चलती रहेगी। बच्चों को 1500-2000 रुपये देने पड़ते हैं उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने के लिए, और साधारण घर परिवार के बच्चे नहीं दे सकते वो शुल्क। तो हमने केस फाइल किया, और कुछ सज्जन वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण जैसे लोग, उन लोगों ने थोड़ी मदद भी की। उसके बाद हम केस जीत गए। फिर भारत में आज की तारीख में बच्चों को उत्तर पुस्तिकाएँ जो हैं सूचना के अधिकार में 2 रुपये प्रति पेज और 10 रुपये का RTI का शुल्क ये प्रदान हो रहा है पूरे भारत में। तो ये अगर हो रहा है तो इसके लिए आप बहुत बड़े योगदान आपका इसमें है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का तो योगदान हर चीज के में होता ही है। लेकिन हाँ, हमने कोशिश की, और आज बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि छात्र जीवन में ऐसी कोशिश की जिसका लाभ लगभग 50 लाख बच्चों
को हर साल मिल रहा है। मतलब आपने लॉ की पढ़ाई तो की, लॉ में शोध भी किया आपने, मगर नेतागिरी आपने शुरू से था, मतलब यहाँ से गए अमेरिका तो पढ़ाई करने गए, शोध करने गए, वहाँ भी नेतागिरी शुरू कर दी। जी मेरे ख्याल से नेतागिरी हमारे लिए आज के समय में नेता जो है या राजनेता जो है, तो लोग यहाँ इंडिया में करते हैं, आप अमेरिका में करके आ गए। जी नहीं, हमारे लिए एक अभिशाप जैसा है, गाली जैसा है, तुम नेता हो। नहीं, आप ही नहीं, गांधी जी भी जाके नेतागिरी करके आए थे अमेरिका में और जगह। ये क्यों होता है, लॉ के स्टूडेंट्स में बीमारी क्यों? चूंकि आपको जैसे मैंने बताया पहले भी कि मेरी हमेशा से इच्छा थी जो पढ़ूँ उसका उपयोग समाज के लिए हो या समाज में जो परेशानियाँ उसको खत्म करूँ। हर देश की, हर समाज की अपनी परेशानियाँ हो। तो लड़के चुनाव जीत गए वहाँ, लगा कि जो छात्र, क्योंकि वहाँ छात्र संघ वहाँ भी कुछ कमियाँ थी, नहीं मुझे लगा कि अगर कमियों को अगर दूर किया जा सकता, अगर मैं थोड़ा बहुत योगदान दे सकता हूँ और कुछ सीख सकता हूँ, चूंकि 150 देश के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो मुझे लगा अलग अलग देश के लोगों के बीच रहूंगा, उनसे ज्यादा वार्तालाप होगा या उनकी समस्याओं को सुनने समझने का, खुद को ग्रो करने का मौका मिलेगा और साथ साथ योगदान करने का मौका मिलेगा। तो किन परिस्थितियों में, ये हम जानना चाहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल अचानक था कि बदलाव लाना था, मगर सडनली कैसे हो गया? एक मित्र ने नॉमिनेट कर दिया मुझे चुनाव लड़ने के लिए, कोई भी किसी के नॉमिनेट कर सकता है। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप लड़ना चाहते हैं, मैंने बोला ठीक है, और सारे सभी मित्रों से जो मेरे कॉलेज के लोग थे उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जीत जाऊंगा, मुझे लगा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने लोगों से बातचीत की, आश्चर्यजनक रूप से विजयी हो गया, और विजयी हो गया। हालांकि अमेरिका में इतना जो हम भारत में छात्र संघ चुनाव को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो कॉलेज की साधारण बात होती है कि छात्र संघ है, वहाँ चुनाव हुआ है और कंप्यूटर लैपटॉप। अगर मैं कंपेयर करूं, आपने वहां जाकर छात्र संघ चुनाव जीता, दिल्ली में कन्हैया ने जीत लिया, कन्हैया जी चुनाव भी लड़ गए और फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए, अब वो छात्र नहीं रहे। छात्रों के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो कर भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका का जो स्टाइल है ऑफ पॉलिटिक्स है, जिस तरह से इंड्यूस किया जाता है ग्रेजुअली, और यहाँ सडनली मतलब रातों रात सितारा बना दिया जाता, क्या है, दोनों में अंतर क्या है? कन्हैया जी के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा उनके बारे में। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी छात्र नेता हो, क्या अंतर पड़ जाता है? वो एक बहुत बेसिक अंतर है नमन जी, अंतर यह है कि वहाँ के जो नेता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अकाउंटेबल बहुत होते हैं। वहाँ एक साधारण व्यक्ति जो नागरिक है अमेरिका का, वो उनको सवाल पूछ सकता है। क्या लॉ इन्फोर्स करती है वो अकाउंटेबिलिटी? बिल्कुल, लॉ इन्फोर्स करती है, और हर व्यक्ति अपना जो उनका जो उनकी जो विधायिका है वहाँ पे, हर व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह सकता है कि तुम ये सवाल हमारे क्षेत्र के लिए उठाओ, ये काम करो। और वहाँ पब्लिक डिबेट्स होते हैं, जैसे चुनाव के पहले डिबेट्स होते हैं, तर्क रखा जाता है, स्वस्थ तरीके से बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा का स्कोप वहाँ काफ़ी कम है। एक पार्टी के अंदर भी अगर 5 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए एक पार्टी के अंदर ही 5 लोग चाहते हैं लड़ना, तो उन 5ों के बीच चुनाव होता है पहले। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ बहुत नेचुरल प्रोसेस है, तर्क जो लोग करते हैं उसमें कहीं हिंसा का कोई जगह नहीं है, या किसी तरीके से लोग आपस में मनमुटाव नहीं करते, बिल्कुल हेल्दी वे में डिबेट करते हैं, हेल्दी वे में जाते हैं, और लोगों को आंसरेबल हैं, तुरंत उन वहाँ लोग चाहें तो उनको उन सवाल कर सकते हैं, और बाध्य होते हैं ये लोग उनके उनके सवाल। भारत में अगर एक आम नागरिक हो, उसको अगर खाकी खादी और काला कपड़ा दिखा दिया जाए तो डर जाता है। जी, तो अमेरिका में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि मुझे तो उस देश से प्यार हो गया, लेकिन अपनी ज़मीन से ज़्यादा प्यार था इसलिए वहाँ रुका नहीं। लेकिन लव ट्रायंगल हो गया। जी, अमेरिका इतना अद्भुत देश है कि वहाँ हवा काफ़ी अच्छी है, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वातावरण अच्छा है, लोगों में शांति है। और हम जो हमेशा मिथ ये हम बचपन से हम सुनते आए हैं कि विदेशी मत बनो, अमेरिकी मत बनो, वहाँ लोगों के अंदर इमोशन नहीं होता, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मैं अगर रोड पे वहाँ खड़ा हो गया, पहली बार जब अमेरिका गया एयरपोर्ट के बाहर सड़क पे खड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना है, कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था, तो 4-5 लोगों ने, मतलब 7-6 मिनट खड़ा रहूँगा, 4-5 लोगों ने मुझसे आके पूछा आर यू ऑल राइट, डू यू नीड एनी हेल्प। तो इधर लोग काफ़ी मददगार हैं वहाँ पर, और लोग हमेशा एक दूसरे को देखते हैं तो ग्रीट करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मदद के लिए तैयार होते हैं। आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है, अगर आपको ज्ञान बहुत नहीं है, तो लोग आपको जज नहीं करते उस वजह से। अच्छा, एक बड़ा कारण क्या है, मतलब हम पुलिस तक से डरते हैं, मगर जैसे ही हम किसी वकील को देख लेते हैं हमें डर लग जाता है, लगता है या तो पैसा हिटेगा या झूठ सच के में फंसाएगा, ये क्यों होता है? मतलब देखिए, ये हालांकि लोगों को लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, जानकारी अपने राइट्स के बारे में कम है, क्या मामला? बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा यह कारण है कि हर पेशे में, जैसे पुलिस में अच्छे बुरे लोग हैं, वकालत में भी अच्छे बुरे लोग हैं,
इन लोगों ने जो बुरे लोग हैं उनके बारे में हम चर्चा ज़्यादा करते हैं, उनके बारे में बातचीत ज़्यादा करते हैं और उनका असर ज़्यादा होता है समाज पे। कुछ हद तक ज्ञान भी कम है लोगों को, ज्ञान कम है चूंकि कानून दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज भी भारत का जो कानून इतना पेचीदा है, एक साधारण व्यक्ति चाहे, हालांकि उसको अधिकार है कोर्ट में, मैं वकील नहीं था फिर भी मैं कोर्ट में, आपने जैसा बताया मैं कोर्ट में केसेस लड़ा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति अगर चाहे जिसको कानून की नॉलेज नहीं है, चीज़ें इतनी पेचीदा हैं कि वो व्यक्ति, उसको एक वकील के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाती है और वकील भी इतने ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ बुरे लोग हैं कुछ अच्छे लोग हैं, जिन बुरे लोगों ने जो बुरा किया मिथ की तरह मिथ बना दिया जाता है लॉ को और डरा जाता है लोगों को कहीं जी। अगर लॉ की जानकारी हो तो आत्मविश्वास जरूर लोगों का बढ़ेगा और ये डर जो नाम की चीज़ है, मतलब अमेरिका में मैंने देखा कि अगर किसी को बर्गर में अगर मिल जाए कुछ कचरा भी तो वो केस कर देता है रेस्टोरेंट पर। यहाँ लोग हाथापाई से पहले सुलझाने की कोशिश करते हैं, पुलिस आती है तो फिर वकील तक मामले आने से पहले ही मामला खत्म कर दिया। वहाँ भारत में एक बड़ी दिक्कत है कि कोर्ट के जो कोर्ट्स हैं उसमें एक तो अप्रोच करना कठिन है बिना वकील के, बिना पैसे खर्च किए हुए, दूसरा कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में लगभग 5 लाख पेंडिंग है जी, और इतने केसेस पेंडिंग हैं कि आप 2-3 साल आप केस तो कुछ तो मतलब उसमें से हल्का कीजिएगा। मैं एक अभी छात्र जीवनी जो सच्चाई की बात है, छात्र जीवनी खत्म किया है, बहुत योग्य तो नहीं हूँ कि बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में एक साधारण व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी और इस दिशा में जो भी बन पाएगा करेंगे। और बाकी लोगों से, आपके जो दर्शक हैं अलग अलग जगहों से जो जुड़े हैं आपके साथ, उनसे भी कहना चाहूँगा, आप जिस भी पेशे में हो उस पेशे में जो उस पेशे की परेशानियाँ हैं, जिस भी फील्ड में हो, जहाँ भी हो, जिस समाज में हो, जिस मोहल्ले में हो, अगर स्ट्रीट लाइट बाहर नहीं चालू है, अगर नाली में बाहर बदबू देता है, तो आपको अगर आप शिक्षित हैं, केस नहीं, चिट्ठी तो लिखिए, कम से कम चिट्ठी तो लिखिए। और सरकारी लोग जितने डरपोक होते हैं उनको अगर चिट्ठी उनके पास आती है उसका जवाब देना और रिकॉर्ड का पार्ट बनता है, तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। अगर चिट्ठी नहीं देंगे तो हम जैसे लोग हैं, अगर आप समर्थन करने के लिए आपके साथ अदालत जाने के लिए, और हम ही नहीं, हम जैसे कई, मुझे से कई लोग हैं। आप सिंस यहाँ बैठे हुए हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल बिहार की राजनीति, मैं राजनीति से नहीं पूछ रहा मगर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है उससे, लोग कहते हैं, नेता खासतौर पर ये कहते हैं कि क्राइम रोका नहीं जा सकता, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं, क्राइम तो रोका जा सकता है। पिछले 6 महीने में बिहार में क्राइम बहुत बढ़ गया है। देखिए ये कुछ लोगों से मैंने सुना है, बाकी है कि आप भी आ गए हैं इसी बीच में, सर कुछ लोगों से मैंने सुना है कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, स्वाभाविक बात है, लेकिन पुलिस के अंदर अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का डर नहीं होने के कारण अपराध होते हैं। देखिए नीतीश जी कहते हैं कि हम सजा दे सकते हैं, हम अपराध कैसे रोक सकते हैं? सजा दे सकते हैं, आप देखिए ना, 25 साल उसका केस चल रहा है जी, कोई किसी व्यक्ति को अगर आपने उसके खिलाफ मान लीजिए मर्डर का केस फाइल किया है, तो 10-15-20 साल उसका केस चल रहा है, बेल पे बाहर घूम रहा है, उसके अंदर डर ही नहीं है। वो व्यक्ति अगर उसके अंदर डर नहीं है तो आगे पीछे जितने लोग हैं उनको लगेगा ये तो साधारण बात है, किसी का भी खून किया जा सकता है, किसी को भी लूटा जा सकता है, बेल में साधारण मतलब साधारण लोग साधारण तौर पर कम पैसे खर्च करके भी बाहर आ जाते हैं। तो जब तक जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक पुलिस ईमानदार नहीं होगी, तब तक अपराध रुकने में, अपराध को नियंत्रित करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपसे, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपैरेटिवली लोग समझ जाएंगे, बिहार में अगर कोई व्यक्ति प्याज चुराता है और अमेरिका में चुराता है, दोनों में अंतर क्या होगा? कैसे उसको ट्रीट करेंगी पुलिस, कैसे उसको न्यायिक व्यवस्था ट्रीट करेगी और उसको सजा कितनी होगी? जी हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे ये आपने इमेजिन किया तो है कि मतलब कि पहले यहाँ पे जम के धुनाई हो जाएगी, पहले मॉब लिंचिंग हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, भारत में पुलिस पीटेगी, भारत में ऐसी संभावनाएं कम है कि प्याज चोरी करने, एक दो प्याज को अगर चोरी करके चला जाए तो उसके खिलाफ अदालत तक मामला जाएगा, संभावना ऐसी कम है, लेकिन जाएगा भी तो 2-3 लाख किसका भी खर्च होगा, लेकिन खर्च होगा फिर लास्ट में। ऐसे अगर छोटे केसेस हैं जैसे मान लीजिए उसकी सजा मान लीजिए 6 महीने, कोई अपराध किसी ने किया 6 महीने सजा है, अगर केस चला भी जाता है अदालत में तो क्या होता है कि व्यक्ति जो अमीर है वो तो छूट जाएगा बेल पर, जो गरीब है वो 1 साल अंदर जेल में रहेगा और उसको उसके 1-2 साल केस चलेगा जेल में है वो, उसके बाद उसको 6 महीने की सजा मिलती है। तो सोचिए वो व्यक्ति पहले ही 1.5 साल जेल में रह गया तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भारत में पेंडेंसी जो जिस पेंडेंसी की मैंने बात की, अदालतों में पेंडेंसी जब तक कम नहीं होगी तब तक तीव्रता नहीं आएगी न्यायिक प्रक्रिया में, और जब तक न्यायिक प्रक्रिया अगर तब तक तीव्र नहीं होगा तब तक
मनोबल अपराधियों का बढ़ेगा और हमको कानून व्यवस्था का, किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था की कोई इज्जत नहीं होगी। सबको मालूम है कानून व्यवस्था के तहत खेला जा सकता है, पैसे के बल पे हम कानून व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप होल्स हैं लॉ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने कही अमेरिका की बात, अमेरिका में मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में अगर कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाए भी, आवाज़ भी आए, अगर कुछ कहीं कोई फायर का एक रूम में पांच लोग, मान लीजिए एक रूम है, हर रूम की कैपेसिटी होती है कि इसमें तीन लोग दो लोग आ सकते हैं, अगर एक रूम में 20 लोग खड़े हो जाए तो वहाँ पुलिस आ जाती है। अच्छा जी, वहाँ फायर जो पुलिस मतलब पूछने आती है, देखने आती है क्या क्यों 20 लोग हैं यहाँ पे जी, अलार्म बज जाता है, पुलिस तुरंत आ जाती है, फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं अधिकारी पुलिस होते हैं वो आ जाते हैं, और क्योंकि ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते एक कमरे में, कानून है वहाँ, तो वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है और तुरंत भीड़ को अलग करती है, वहाँ से कहती है निकलो यहाँ से, या जो भी उन पर कार्रवाई होती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि अमेरिका में बड़े क्राइम करके, हीनियस क्राइम करके लोग इस तरह से इत्मीनान से कोर्ट में बैठते हैं जैसे कि कोई कुछ हुआ ही नहीं हो, और उनको डिफेंड करने की भी पूरी प्रक्रिया है, पुलिस मार नहीं सकती है, पुलिस बहुत सारे राइट्स होते हैं उनके, क्या ऐसा है क्या? आपकी जो बात आपने कही अमेरिका में जो बहुत हीनियस क्राइम करके हम लोग टीवी वगैरह पर देखते हैं, जो सीरियल्स वगैरह एकदम सॉर्टेड लोग सॉर्टेड तरीके से बैठे रहते हैं, व्याकुल नहीं होते, आपका लगता भी नहीं क्राइम करके बैठा हुआ है, बैठा हुआ है जी। अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे जो आकलन है, मुझे लगता है कि जो हीनियस क्राइम्स करते हैं अमेरिका की सोसाइटी में, अधिकांश लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं या बीमार होते हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्दी व्याकुल साधारण लोगों की तरह नहीं हो पाते हो, इसीलिए मतलब ये आप जो कह रहे हैं मतलब नॉर्मल लोग वहाँ क्राइम नहीं करते क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ के लोगों का चेक ही नहीं होता मानसिक स्तर। जी 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 जी, तो मैंने जितने मतलब अपनी पढ़ाई के दौरान कोर्ट्स वगैरह गया, जितने लोगों से मेरा आमना सामना हुआ, अधिकांश जो ऐसे हीनियस क्राइम, किसी ने बच्चे को मार दिया या किसी ने गोली चला दी कहीं पब्लिक प्लेस पे, यदा किदा ऐसे केसेस आपने पढ़ाई होगा अखबारों में, तो इन केसेस में विक्षिप्त होते हैं जनरली मानसिक रूप से लोग, या फिर ट्यूटर्ड होते हैं या उनको बना दिया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कहा जाएगा इसके बारे में, उनको ऐसा कुछ की बोल के पिला दिया जाता है, कुछ चीजें जैसे उनको नहीं मालूम होता सही गलत कर रहे हैं, किसी ने उसको पार्ट पढ़ा दिया, किसी ने उसको मतलब हमारे यहाँ भी ऐसे लोग जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनको भी तो कुछ कुछ पढ़ा के लोग भेज देते हैं जो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक बात है, ऐसा होता ही होगा अगर ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, तो कुछ लोग ट्यूटर्ड होते हैं इसलिए व्याकुल नहीं होते, कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं इसलिए व्याकुल नहीं होते, और कई अगर जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं तो उनको तो ऐसे भी डर नहीं है, डर होता तो अपराध करते ही नहीं, तो इस वजह से भी, लेकिन डिपेंड करता है किस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जनरलाइज हम नहीं कर सकते इसको। एक और सवाल है मेरा, उसके बाद में और आपके बारे में जानना चाहूँगा जी, एक सवाल और है बिहार के संदर्भ में है कि बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, अब 3 साल हो गए हैं, शराबबंदी के तहत लगभग 2.5 लाख लोगों को, उसमें भी वैसे लोग जो जिनको आपने आरक्षण दे रखा है, जिनके हक की लड़ाई के लिए नेता खड़े होते हैं, जिनके नेता बहुत आयात में हैं, वैसे लोग जेल में पड़े हुए हैं, शराबबंदी का कोई फायदा आपको दिखता है क्या? शराबबंद एक पी रहा है उसको जेल में डाल दिया जाए, उसको न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाए, उस पर जुर्म लगाया जाए हत्या की तरह, सही लग रहा है आपको क्या? ये खाद्य पदार्थ है, इसी देश में जब दुहाई लोग देते हैं कि खाने पीने पर किसी चीज़ों पर प्रोटोकॉल नहीं लगना चाहिए, भाजपा की सरकार बन के आती है तो नीतीश जी भी कहते हैं कि भी बैन नहीं होना चाहिए, इसी सब मुद्दों पर नहीं होना चाहिए कुछ, और फिर नीतीश जी बैन कर देते हैं। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि खाने पीने पे सरकार का रोक नहीं होना चाहिए, लोग स्वतंत्र होने चाहिए वो क्या पीना चाहते हैं क्या खाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक शराबबंदी की बात है हम काफ़ी पिछड़े हैं राज्य के रूप में। एक छोटा सा किस्सा है, मेरे घर के बगल में एक नाई हुआ करता है, अभी भी है वो व्यक्ति, तो उसको जब भी मैंने देखा है गाली देते ही देखा है, रोड पर नाली के अंदर ही देखा है, या उसको टगमग करते ही देखा है सड़कों पर, कभी उसको मैंने स्वस्थ तरीके बात करते हैं ट्यूटर तो नहीं होगा, हो सकता है नहीं, वो शराब के नशे में हमेशा बचपन से देखा है, बचपन से उसको मैं बड़ा हुआ हूँ, अभी भी उसके बारे में सोचता हूँ तो वो नाश्ता गाता वो मुझे याद आता है, वो व्यक्ति नाली में गिरा हुआ व्यक्ति, उसके माथे फूटा हुआ खून निकलता हुआ रोड पे जा रहा है, ऐसे ही देखा है मैंने हमेशा उसको। उनकी धर्मपत्नी हमेशा शिकायत करती थी हमारे घर आकर, अब वो बस उसी प्यारों में, ये बहुत मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, जो भी कमाते हैं सब पीने में बर्बाद कर देते हैं। अमेरिका से आने के बाद उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, व्यक्ति
बिल्कुल अच्छे कपड़ों में जी, बिल्कुल वो दूध वगैरह पीता है जी। अब पता नहीं उसको शायद शराब नहीं मिल पा रही है, होता क्या ना कि पहले बड़े लोग जब जाते थे बड़े जगहों पे तो 1200-1300 रुपए के शराब पीते थे, सूट बूट पहन के जाना पड़ता था। अब घर में ही 1200 का शराब आता है तो सूट बूट पहन के घूमना जरूरी है ना। मैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि खाने पीने पर रोक नहीं लगाना चाहिए सरकार को, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर मैंने बदलाव देखा और उसकी जो धर्मपत्नी थी, वाइफ थी, वो हमेशा जो परेशान थी उसके मार पिटाई से, उनको राहत मिली है, सच्चाई की बात है। तो ये एस्पेक्ट तो मैंने अपनी आंखों से देखा और 2.5 लाख लोग अंदर बंद हैं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जितने गरीब लोग शराब पीते हैं। गरीब लोग गैर कानूनी रूप से, जो सरकार ने गैर कानूनी बना दिया शराब पीना, अगर वो कहीं भी किसी तरीके से अगर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो जेलों के अंदर सबसे बड़े विक्टिम तो वही है, समाज के नीचे के तबके के लोग। जो अमीर लोग हैं वो तो 10-15 हज़ार रुपए खर्च करके बिल करा लेते हैं। कल तक शराब पी के लोग, बड़े लोग भी घूमते थे अपने घरों में, घरों के बाहर से भी। अब एक टैग लगा दिया जाता है, किसी को अगर शराब पी के पकड़ाता है तो उसको सोशल बॉयकॉट सा होने लगता है उसका, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कानून में कुछ तो होगा इसके लिए प्रावधान कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल कानून में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है कि आप, संविधान आपको इतनी इजाज़त देता है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप खा पी सकते हैं, अपने घर में जो चाहें शराब पी सकते हैं। ये कानून के दायरे में, आप बिहार में नहीं रह रहे जी, अब कानून के दायरे में ही, स्वाभाविक है। अब भी 4-5 साल पहले हम कहीं बिहार में भी ये अलाउड था, इसी ग्राउंड पे उसको, या फिर जो लोग शराब का बिजनेस करते हैं उनको व्यापार करने का अधिकार है, उनके भी हितों का हनन हुआ है उनके अकॉर्डिंग, और वो लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने इस कानून को भी पीएल डाला जी, इस कानून को कोर्ट ने गैर कानूनी भी घोषित कर दिया था, लेकिन फिर नया कानून ला दिया गया, फिर वो भी कानून कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट उसको, बड़ा लूप क्या है इस कानून में, शराबबंदी में क्यों सफल नहीं हो पा रहा है? सफल तो नहीं है, तो तय हो गया। मुझे लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी, अगर मान लीजिए आप शराबबंदी रोकना चाहते हैं जी, और इसके लिए आप अगर कानून का भय दिखा के किसी को शराब पीने से रोकेंगे तो शायद ये बहुत सफल नहीं, गुजरात में भी सफल नहीं है। बिहार की जो न्याय व्यवस्था है, और एक बड़ा चैलेंज है सुशासन, नीतीश जी बार बार कहते हैं सुशासन, हम सुशासन लेके चल रहे हैं 15 सालों से वो है, अब इनके एमएनसी भी उन पर लागू नहीं होती क्योंकि उन्होंने उसमें भी लूप होल खोज लिया है, कभी वो पाला बदल के उधर चले जाते हैं, कभी पाला बदल के इधर चले जाते हैं। क्या लगता है कैसे बिहार की न्याय व्यवस्था में बदलाव आ सकता है? मुझे लगता है कि सारा दोष मुख्यमंत्री पे देना उचित नहीं होगा, किसी भी जगह, बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, न्याय व्यवस्था में कई स्टेक होल्डर्स हैं जी। जैसे अगर थाने स्तर पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो लोग सह लेते हैं, हमारे सहने की प्रवृत्ति, अंग्रेजों ने भारत को इतने साल गुलाम रखा तो हमारे जो सहने की प्रवृत्ति आदत हो गई, हमको लगता है पुलिस है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, तो हम और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारी आवाज़ जिनको बनना चाहिए, मान लीजिए कोई कमज़ोर तबका का व्यक्ति हो उसको वो हिम्मत नहीं करेगा शायद, जो जनप्रतिनिधि इसीलिए हैं क्योंकि उनकी आवाज़ उठाएं सही फोरम पे, सही जगह पे, सही लोगों के सामने, विधानसभा या संसद के अंदर, वो लोग भी बहुत सेंसिटिव नहीं है जी। मतलब उनको लोगों के दर्द में अपना दर्द महसूस नहीं होता। 100 बच्चे मरने के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो सेंसिटिविटी तो समझ में आ जाती है। इतना असंवेदनशील रवैया है, 2014 में ये हुआ, 1994-95 से लगातार बच्चे मर रहे हैं जी, जी। किसी को कोई फिक्र नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुका है, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोग बदलते रहे, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सब बदलते रहे, लेकिन ये समस्या बाकी वही है। तो धिक्कार, शर्म की बात है हम जैसे लोगों पर, सरकार पर, हम यहाँ के लोग हैं, सरकार को कंपेल नहीं कर पाए, या सरकारें, यहीं पर आपका रोल आता है इसमें। आप कुमार सानू अब पटना में, कुमार सानू अब बिहार के लिए करने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया घूम लिया आपने जी, सब कुछ, सब ज्ञान आपने अर्जित कर लिया जो चाहते हैं, अब थोड़ा बहुत तो गुंजाइश रहता है, बिहार में एक बड़ा बदलाव क्या कीजिएगा आप अपने लाइफ में? मुझे सबसे ज़रूरी तो है कि जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत उनके अंदर जगाने की कोशिश करूँगा। वो जैसे कुमार शानू अगर मोकामा में किसी ग्रामीण इलाके से आता है और अपने घर बथान में रह के बड़े बड़े सपने देख सकता है और जीवन के 25 साल होते होते उन सपनों को अगर पूरा कर सकता है, जी सकता है जी। तो मुझे लगता है कि बिहार के जो कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो साधारण आय वर्ग के लोग हैं, जो वो भी बड़े सपने देख सकते हैं और उसको सच कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे रोल की बात है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी ऐसे बच्चों को मेंटोर करूँ, उनको
अपॉर्चुनिटी, उनको ऐसा ना हो कि उनको संसाधनों की वजह से, लोग क्या होता है कि हम बैंकिंग SSC रेलवे के बियॉन्ड सोचते ही नहीं, इसके इसके परे कुछ हमको लगता है दुनिया है ही नहीं। आपने कहा कि मैंने बहुत पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे भी लोग पूछते हैं कोई परीक्षा नहीं भरनी सरकारी, कोई फॉर्म नहीं भरनी, IAS बनने का मन नहीं हो, जज बन देते हैं, वकालत कायल कर रही हैं, तो ऐसी बातें मुझसे भी लोग करते हैं। तो लोगों को लगता है इसके परे दुनिया नहीं है, दो चार जो परीक्षाएं इसके परे दुनिया नहीं है। मुझे लग और इन बच्चों को मेरा मानना है ये सीट्स बहुत कम है इन परीक्षाओं में, जो चुने जाते हैं बच्चे बहुत, सीट्स बहुत कम है, अधिकांश बच्चे छट जाते हैं, और जो छट जाते हैं बच्चे उनको घर परिवार के लोग, समाज के लोग ऐसा बताते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, बैठा में घी हमने सुखाया तुम्हारे लिए, तो बच्चों का मनोबल काफी टूट जाता है। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं उन बच्चों के साथ काम करूं और उनके अंदर जो भी, हमारे पास खबर है कि आप जब आए हैं पटना में, बहुत कम दिन हुआ आपको आए हुए, मगर आप बच्चों से मिल रहे हैं, सरकारी टीचरों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आप जाके युवाओं से मिल रहे हैं, क्या फिर से राजनीति नहीं करने का मन है क्या? आपका सवाल स्वाभाविक है और डर जाते हैं हम लोग ना, नहीं बिल्कुल डर जाते हैं। पहली बात, अगर किसी इंसान को जब चोर, उचक्के, बेईमान, खून करने वाले लोग अगर राजनेता बन सकते तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं बनते? पहली बात, मुझे इसके इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊँगा, मुझे छुपा के रखने की इसको आवश्यकता नहीं। जब दुनिया के सारे कुकर्म करने के बाद नेता बनने के लिए लोग योग्य हैं, तो मुझे लगता है कि ईमानदार लोग जो पढ़े लिखे हैं, या ईमानदार मैं अपने अपने आप को घोषित नहीं कर रहा, लेकिन मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, जिनको सेंसिटिव हैं, समझदार हैं, समस्याओं की समझ है, देश विदेश जिसने देखा हो, जिसने अपने गांव को भी देखा हो, झेला हो सब कुछ, तो अगर वैसा व्यक्ति राजनीति में आए तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी। शिक्षकों से मिलने का मोटिव क्या है? क्योंकि मैं बच्चों को एक शिक्षक बन के ही, मान लीजिए बच्चों को रख के पढ़ा सकता हूं, ठीक, लेकिन चूंकि मैं शिक्षक नहीं हूं या शिक्षक नहीं बनने का इरादा है, तो क्यों ना शिक्षकों की क्वालिटी इन्हेंस की जाए, शिक्षकों को बताया जाए कि बच्चों के प्रति उनका अप्रोच क्या हो। तो हम शिक्षकों को भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ भी जाता हूँ शिक्षकों से मिलूँ, उनको ट्रेन करूँ, क्योंकि बच्चे उनके उनके पास हैं, उनके गार्जियनशिप में हैं, उनके हाथों में हैं, तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट वे में उन बच्चों को ट्रीट करने की आवश्यकता है, उन बच्चों को आगे बढ़ाने या तैयार करने की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षकों से भी मिलता रहा हूँ, और शिक्षक जो हैं अपनी समस्याओं को भी लेकर आते हैं। कुमार सानू जी, आप इस बिहार के इकाई में बहुत छोटे से अभी अंग हैं, हमारे पटना साहिब के सांसद हैं, कानून मंत्री हैं जी रविशंकर जी, आज भी मुझे लगा कि शायद वो उनको चुन के भेजा गया, उनको बहुत उपलब्धि दी गई, तो वो हो सकता है कि बिहार के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, मगर मुझे लगता है शायद वो अभी भी वो चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा में बैठकर कि ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, मतलब इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ मुद्दे होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, कानून मंत्री बिल्कुल, देश में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये कुछ जो मुद्दे हैं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है जो जिन मुद्दों के बारे में ज़्यादा बात होती है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्वार्थ देखती है, सारा ध्यान यहीं ट्रिपल तलाक के ऊपर ही है अभी। हालांकि ये कहना थोड़ा अनुचित होगा, उनका सारा ध्यान यहाँ है, क्योंकि मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा नहीं है, जो मीडिया में पढ़ता हूँ वही जानता हूँ, उसके ज़्यादा मुझे मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ज़रूरत ट्रिपल तलाक से कई ज़्यादा अति महत्वपूर्ण मुद्दे भारत में है। भारत में जजेस हर कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में जजेस की संख्या पूर्ण नहीं है, जजेस तो उसमें भी आरक्षण मांगा जा रहा है जी, वो तो बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन जजेस नहीं पूरे हैं, केसेस लंबित हैं, हम अपॉइंटमेंट्स नहीं कर पा रहे, अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है किसी को नहीं मालूम, बंद कमरे में ये होता है, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो मुझे लगता है ये सब ट्रिपल तलाक जैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि समाज में हर व्यक्ति को कंसर्न करता है, हर पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति को कंसर्न करता है, और अधिकांश समस्याओं का जो जड़ है वो हमारी अदालतों में जो धीमा स्पीड है, जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो कुछ परिवारों का कब्जा है अदालतों में, उसकी वजह से परेशानियां हैं, क्योंकि हमें आपको कोई दिक्कत होगी तो हम कहाँ जाएंगे, राजनेता हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अदालत जाएंगे, अदालतों में अगर ढंग से काम नहीं होगा तो फिर तो हम कहीं से हार गए फिर। अच्छा, लालू यादव, हालांकि फिर ये आपसे कंसर्न नहीं है मगर ठीक है, आप इस से तो मुझे पूछना बनता है, लालू यादव जेल में है, लालू यादव के ऊपर चारों घोटाले का चार्ज लगा हुआ है, उनके बेटे और उनकी पत्नी कहते हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से हैक कर लिया है मोदी जी ने और उसी के तहत उनको जेल में रखा हुआ है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सब चीज़ों से?
हालांकि मैं समझ रहा हूँ एटम बॉम्ब है आपके लिए, अभी आप आए हैं बिहार की राजनीति में और बड़े बड़े सवाल में दाग रहा हूँ, मगर आप शायद तैयार होंगे, अब तक तो 15-20 साल से आप कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, पहली बात लालू न्यायिक प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं इंडिया में, सीधा सवाल। जी कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठे हैं और साधारण लोगों ने नहीं, बहुत प्रबुद्ध लोगों ने सवाल उठाए हैं, समय समय पे सवाल उठते रहे हैं भारत में न्यायिक प्रक्रिया पर, और हमने नहीं, सरकार के लोगों ने भी उठाया है, संसद में सांसदों ने भी न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठाया है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि न्यायिक प्रक्रिया, बाकी जो अलग और भी अंग हैं जो कार्यपालिका है और विधायिका है, उस तरह न्यायपालिका में अपनी परेशानियां हैं, बिल्कुल आपकी बात उचित है। और अगर मैं ये बोलूं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये सीधा सीधा झूठ होगा, तो फिर तो गृह युद्ध स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जहाँ तक लालू जी की बात है, लालू जी अब देखिए मैं चूंकि एक कानून का छात्र हूँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल की बात नहीं, कानून का एक छात्र हूँ, मेरा मैं तभी अपना कोई मत देता हूँ या अपनी अपनी अपना सजेशन देता हूँ जब तक मैं फाइल अगर किसी व्यक्ति का अगर पैसे की बात नहीं मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी व्यक्ति जिसपे आरोप लगे हैं, अगर चूंकि हम आप सब मीडिया की खबरों से जानकारी लेते हैं या लोगों से बात करके जानकारी लेते हैं, जब तक अब चूंकि मैं कानून का छात्र हूँ, कानून पढ़ता हूँ, कानून प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब तक मैं उनके केस के तथ्यों को नहीं देख पाऊँ देखूंगा तब तक टिप्पणी करना इमैच्योर होगा, अनुचित होगा। मतलब इन द लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस यू फील कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है? नहीं, लालू जी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लालू जी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हम यूनिवर्सली हम ऐसे हम साधारण तौर पर न्यायपालिका में काफी दिक्कतें हैं, अगर उसके बारे में कभी बात करना तो अलग से बात कर सकता हूँ, और काफी दिक्कतें काफी सालों से हैं और इसके बारे में लगातार जैसा मैंने बोला सिविल सोसाइटी का एक सेकंड लास्ट सवाल मेरा है, इन योर फेस है जी कि जब इतने बड़े नेता जो कि देश के कानून मंत्री हैं, बिहार के इतने बड़े नेता हैं, वो बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए अभी तक प्रैक्टिकली, तो कुमार सानू क्या करेंगे बिहार के लिए? अभी तो आप स्टूडेंट ही हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी बात है, जो भी करूँगा जहाँ भी करूँगा कोशिश रहेगी कि अपने आप से ईमानदार रहूँ, लोगों के प्रति तो जवाबदेही है ही, और रात को सोने जाऊँ तो कम से कम शक्ल अपना आईने में देख सकूँ, इतनी कोशिश करूँगा जीवन में, जो भी करूँ वकालत करूँ, लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ूँ, और कोई भी जिम्मेवारी मुझे मिले, कुछ भी काम करना मिले, किसी बच्चे को पढ़ाऊँ तो ऐसा ना हो कि मैं उस बच्चे का इस्तेमाल जैसा लोग हो सकता है सोचे कि मैं उन बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा हूँ या उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कम से कम जब रात को सोने जाऊँ तो कम से कम अपना चेहरा आने में देखूँ और मैं खुद से बोल पाऊँ कि मैं ईमानदारी से जो कर रहा हूँ ईमानदार हूँ और किसी चीज़ का किसी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं कर रहा, अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर रहा, अपने अपॉर्चुनिटीज़ का दुरुपयोग नहीं कर रहा। दुनिया का सबसे लिबरल कानून व्यवस्था कहाँ का है? देखिए ये कोई भी कंपैरेटिव होता है किस कंटेक्स्ट में बात करें, कानून व्यवस्था काफ़ी जैसे अमेरिका जैसे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं जी, ठीक, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते लेकिन हाँ, मतलब अगर ऐसा हो कि आपको अगर क्राइम करना हो तो दुनिया किस देश में करना पसंद कीजिएगा? सिंपलीफाई कर देते हैं, मैं दुनिया के बहुत देशों को जानता नहीं हूँ, घूमा नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ अपराधियों के लिए तो भारत काफ़ी अच्छा देश चरागाह है, अपराधियों में बिहार में आ जाइए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है 14%, चूँकि अब इसलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि उस माहौल में रहा बचपन से और देखा है अपनी आंखों के 90s में बड़ा हो रहा था मैं, उस समय अपराध चरम पे था बिहार में, तो मुझे लगता है और कई ऐसे अपराधी थे जिनको मैं जानता था उस समय, देखता था घूमते हुए या अपराध करते हुए, बदलाव आया था, नहीं बदलाव तो अपराध करने के तरीके बदल गए हैं जी, थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं लोग, या पैसा कमाने के लिए जो लोग अपराध करते हैं, आपके जैसे वकील भी बाहर से आ रहे हैं उनको ज्ञान दे रहे हैं कैसे क्राइम कीजिए, हाँ वकील बचने के तरीके भी बताता है, बिल्कुल सही बात है, और लोग जैसे पैसा कमाने के लिए अपराध करते थे लोग कुछ और काम करें, ठेकेदारी करने लगे, कुछ और काम करने लगे, लेकिन निर्भीक हैं आज भी अपराधी हर जगह। एक मैसेज जो बहुत सारे युवा को बहुत देर से देख रहे हैं, आई होप कि उन्हें बहुत मजा आया होगा आपकी बातों को सुनकर, बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, नाम है कुमार सानू, बिहार के हैं, अमेरिका के भी हैं, अमेरिका में छात्र संघ चुनाव जीते हैं, बिहार में CBSE से लड़ाई लड़कर इन्होंने जीती है, आज अगर आपको CBSE से कोई अगर परेशानी होती उत्तर पुस्तिका अगर मिल जाती है तो उसके लिए इनको धन्यवाद दीजिए। इन्होंने कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण सभी के साथ कभी ना कभी कालखंड में काम किया है। एक बड़ा संदेश आपके लिए मैं आग्रह करूंगा कि दें, युवा हैं आप, 26 साल के हैं, आपसे बहुत सारे छोटे युवा, बिहार युवाओं का ही कहा जा सकता है राज्य है, क्या संदेश दीजिएगा? एक ही संदेश है कि आप कोई भी सपना जो है जो आप अगर देखते हैं
तो सपनों को छोटा मत कीजिए जीवन में। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम जब पाँचवीं छठी क्लास में होते तो साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं, या IIT निकालने का सपना देखते हैं, या कुछ जीवन में बड़ा करने का सपना देखते हैं। दसवीं में आते हैं तो लगता है कि आठवीं सातवीं होते लगता है 90% लाएंगे, फिर सपने छोटे होते जाते हैं। बारहवीं के बाद लगता है क्लर्क भी बन जाएँ या कुछ भी कर लें जिससे हमारा पेट भर जाए। तो मुझे लगता है सपनों के साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए हमें, और उन सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने आप से ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम माँ बाप को भी झूठ बोल सकते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से झूठ ना बोले, ईमानदारी से जो भी कार्य करें, मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई भी कार्य करें, बड़े सपने देखें और उसको सच करने के लिए कंसिस्टेंट वे में मेहनत करते रहें। आज इंटरनेट का IT का जमाना है, कोई भी व्यक्ति, मुझ जैसा व्यक्ति या मुझसे बेहतर व्यक्ति, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, हर फील्ड के लोग आप एक मेल पे आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। हर मटेरियल YouTube पे उपलब्ध है, लोग अप्रोचेबल हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जैसे लोग हैं जो आपके बीच हैं, जो भी जिस हर फील्ड के लोग हैं आपको मिल जाएंगे, उन लोगों से मदद लेनी चाहिए। और बड़े सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जीवन में जो भी कीजिए मीनिंगफुल काम कीजिए। जब उम्र आपकी ख़त्म होगी तो ऐसा जीवन जिए कि उस समय लगे कि मैंने जीवन मीनिंगफुल जिया है, जीवन में कोई अर्थ आपके जीवन में हो। जब अपना पेट भरने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए बस जीवन ना जिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब जी। इनका सीधा सीधा मैसेज था कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है, आप बिहार में रहकर भी अमेरिका की बातें कर सकते हैं, अमेरिका से वापस बिहार भी आ सकते हैं। सेम चीज़ें अगर आपको बिहार में चाहिए अमेरिका जैसी, तो बिहार को अमेरिका बनाना पड़ेगा ना। प्रयत्न कीजिए और बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।